तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा। शक्ल बनाई ली तूने? मैंने तुझे हाड़ में से नहर खोदने को कह दिया क्या? ये जो तुमने काम कहा है ना बाजी, मुझे ये पहाड़ से नहर खोदने से ज्यादा मुश्किल काम है। मतलब क्या है तेरा? सोनिया बीवी है सुल्तान की, को गैर नहीं है। जिसके बारे में कुछ भी सुन लेगा वो, गुस्से में आके उसने मेरे दो टुकड़े कर दिए। तो फिर नहीं बहनी, मैं नहीं जा रहा, माफ करो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई जिंदा रहे? देख जाजी, सोनिया और सुल्तान के दरमियान में वैसे गड़बड़ चल रही है, दूरियां आ रही हैं, समझ रहा है तू? तूने कुछ नहीं करना, वो तो सुल्तान तो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, बस चट्टी पे थोड़ा सा तेल डाल रहा है, मामला रफा दफा खत्म हो जाएगा। बता, तू नहीं चाहता? तू नहीं चाहता इस घर पे हर चीज पे तेरी बहन राज करे? तेरा ही फायदा है इसमें। इतने खतरनाक काम में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, मुआवजे का बगैर नहीं करूंगा मैं। फरामोश है तू, सारी मन मेरे बदलता रहा है तू, मेरी वजह से जिंदा है तू, हाँ? और मेरे साथ ये सलूक कर, और ऐसा फरामोश है तू, बहन भाई हर रिश्ते के नाम पे धप्पा है तू, क्या चाहता है मेरा तुम भी ना चाहता है, हाँ? तेरे पास चले तो वो भी कर, रिश्तेदार तो अल्लाह बचाए रिश्तेदारों से, दोस्तों से भी, सब एक जैसे, सब एक जैसे ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं मुझे, तुम लोगों को बस चले तो मेरा खून पी जाओ। ब्लैकमेल कौन कर रहा है तुम्हें? क्या किया तुमने ऐसा जो किसी को पता है जिससे तुम ब्लैकमेल हो रही हो? देखो भाजी, कसम से भाई हूं मैं तुम्हारा, मुझे बताओ मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगा। पागल हो गया तू? मैं क्यों कुछ करूंगी, मुझे कोई क्यों ब्लैकमेल करेगा? सिर्फ तू है जो ब्लैकमेल करता है मुझे, धब्बा है तू धब्बा, भाई के नाम पर हर वक्त कोशिश होती तो तेरी के मुझे मुझे पैसे बटोर ले, खून पी ले तू मेरा, ब्लैकमेल कौन करेगा मुझे? खुद ही कह रही थी अभी। दफा हो जा यहां से, पकड़ ये पैसे। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो? दबाओ जा, शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, ठीक हूँ मैं। हाँ लेकिन ये पैसे कम है, मुझे ज्यादा चाहिए, मेरा दोस्त है एक बीमार। सुना है कि कतल से ज्यादा कतल को हजम करना मुश्किल होता है, सोचो अगर उसे पता लग गया तो क्या होगा? सुना है कि कतल से ज्यादा कतल को हजम करना मुश्किल होता है, सोचो अगर उसे पता लग गया तो क्या होगा? तुम्हारा राज मेरे पास आ जाएगा, बेफिक्र रहो, कुछ पैसे चाहिए? पास मुझे कम से कम 50-60 हजार रुपए चाहिए।